उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा से चुनकर आए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में चली आ रही अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाना चाहा, लेकिन उनका सवाल नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्होंने सदन का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गए। बाहर आकर उमेश कुमार ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन भ्रष्टाचार और अनियमितता का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कुछ दस्तावेज साझा करते हुए बताया कि किस तरह से उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लॉकडाउन के समय करोड़ों खर्च किए गए और जब लॉकडाउन हटा है और स्थिति सामान्य हुई है तो हाल ही में उत्तराखंड की क्रिकेट टीम द्वारा भूखे पेट खेले गए मैच ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। उमेश कुमार ने सदन का बहिष्कार करने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अब वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। 2019-20 की 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक इन्होंने 12,53,00,000 रुपए टूर्नामेंट पे खर्च किए, जिसमें प्रोफेशनल फीस इन लोगों ने 2,46,92,757 दी। ये जब दी जब देश में लॉकडाउन नहीं था। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा देश में 21 मार्च 2020 से लगातार लॉकडाउन एक साल भर चला है, उस समय इन्होंने 11,44,00,000 रुपए ट्रायल मैचेस कैंप्स पे खर्च कर दिए, जहां पूरे देश में हाहाकार था, महामारी फैली हुई थी, वहां ये 11,44,00,000 रुपए टूर्नामेंट और खाने पीने पे खर्च कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन से ट्रायल्स और कैंप्स, अब देखिए क्या खिलवाड़ हुआ है, किस तरीके से इन लोगों ने खेल किया है। प्रोफेशनल फीस जो कि 2019-20 में 2,27,00,000 थी, उसको 6,00,00,000 पहुंचा दिया इन लोगों ने लॉकडाउन में। जब मैच पूरे तरीके से चल रहे थे, देश में कोई लॉकडाउन नहीं था, उस दौरान इनकी प्रोफेशनल फीस मात्र 2,27,86,829 थी और जब लॉकडाउन लग गया देश में उस समय इनकी प्रोफेशनल फीस पहुंच गई 6,75,00,000 समथिंग। जब लॉकडाउन नहीं था तो लगभग 8,00,000 रुपए अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी के दे रहे थे और जब लॉकडाउन लग गया तो अकाउंटिंग के 16,00,000 रुपए दे रहे थे, इंटरेस्ट एंड लेट फीस दे रहे थे अपने वेंडर्स को। कौन इंटरेस्ट देता है? वेंडर्स के इंटरेस्ट के भुगतान होते हैं। उसके बाद देखिए मैंने वो सब आरोप लगाए हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में श्री फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ ईडी जांच कर रही है वित्तीय अनियमितताओं की, इसी तरह उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जांच भी उत्तराखंड सरकार को ईडी को रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि किसी अन्य एजेंसी के बस की ये जाँच है नहीं। मैं एज ए लेजिस्लेटिव का मेंबर होते हुए, विधायक होते हुए सरकार से इसकी मांग करता हूं और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण लेकर इस मामले में वाद दाखिल किया जाए। खानपुर विधानसभा सीट उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आती है। 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने बहुजन समाज पार्टी के रविन्द्र सिंह को 6,852 वोटों के मार्जिन से हराया था। खानपुर विधानसभा सीट झालावाड़ा बारो के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं दुष्यंत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। कोरोना काल में उमेश कुमार ने लोगों की काफी मदद की थी, जिसका फल उनको विधानसभा चुनाव में मिला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष टमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।